वेलकम टू किड्स लर्निंग सेंटर, जिसमें आज हम छोटे बच्चों के लिए हिंदी फाइनल वर्कशीट लेकर आए हैं। जिसे इसके पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखा तो हमने इंग्लिश की फाइनल वर्कशीट कराई है, तो आप बच्चों को इंग्लिश की फाइनल वर्कशीट कराएं और आज हम हिंदी की फाइनल वर्कशीट अपनी क्लास में कराएंगे। तो आप बच्चों को इस तरीके से फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस करवाइए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार हम बच्चों की फाइनल हिंदी वर्कशीट करा सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, रिक्त स्थान भरो वर्कशीट करेंगे, हिंदी की वर्कशीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान भरो। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, छोटा आर। छोटा आर के बाद हम क्या लिखेंगे, बड़ा आ। फिर यहाँ से पढ़ेंगे छोटा बड़ा, फिर छोटी, फिर क्या होगा बच्चों, बड़ी ई। फिर यहाँ से फिर से पढ़ेंगे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। और फिर क्या आएगा बड़ा ऊ के बाद, री ऋषि। तो अब ये क्या है बच्चों, ए, ए एडी। फिर ए एनक, ए एडी, ए एनक, ओ ओखली। फिर आओ औरत। फिर अंग अंगूर, और फिर आहा खाली। फिर क्या है बच्चों, का कबूतर। फिर क्या है ना बच्चों, खा खरगोश। फिर ग गमला। फिर घा घड़ी, अड़ा खाली। फिर च चम्मच। फिर च चम्मच के बाद क्या आएगा, छ छतरी। फिर ज जहाज। फिर क्या आएगा, झ झंडा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, हमने इसमें रिक्त स्थान आ से इया तक भरा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, दो तीन और चार अक्षर के हमें शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, लिखा है जल। जल के बाद हम क्या बना सकते हैं, जल। फिर कल। और क्या बना सकते हैं, जल कल पल। और क्या बना सकते हैं दो अक्षर में, बस। और फिर क्या है तीसरे अक्षर में, क्या लिखा है, कमल। तो फिर क्या बना सकते हैं, कलम। क ल म, क्या हो गया, कलम। फिर क्या बना सकते हैं, गरम। ग र म। फिर क्या बना सकते हैं, मगर। म ग र मगर। और फिर चार अक्षर में क्या बना सकते हैं, जैसे बचपन। फिर क्या लिख सकते हैं बचपन के, पनघट। पन घट। फिर और क्या बना सकते हैं, नट खट। न ट ख ट नट खट। और क्या बना सकते हैं बच्चों, बरगद। ब र ग द। तो ये क्या हो गया हमारे बच्चों, दो अक्षर के, तीन अक्षर के और चार अक्षर के शब्द। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आ की मात्रा जोड़कर शब्द बनाए। आ की मात्रा बनाए बच्चों, आ की मात्रा हमेशा स्टैंडिंग लाइन जो होती है वो हमारी होती है आ की मात्रा। तो हमें किसकी मात्रा जोड़ के शब्द बनाना है, आ की मात्रा। तो हम जोड़ेंगे आ की मात्रा, कैसे जोड़ेंगे, हम सबसे पहले क्या है इसमें लिखा, का। तो हम क्या लिखेंगे, का। फिर किसकी मात्रा है, आ की। और फिर क्या लिखा है, का के बाद, आ की मात्रा के बाद ला। और फिर ला के बाद क्या लिखा है, आ। तो क्या हो गया हमारा ये, का ला। फिर ये क्या है बच्चों, नीचे माँ, सबसे पहले क्या लिखा है, माँ। फिर माँ के बाद क्या है,
आ की मात्रा, और फिर क्या है बच्चों, ला, तो क्या लिखेंगे, ला, और फिर क्या है, आ की मात्रा, तो क्या हो गया बच्चों हमारा, मा ला, फिर क्या है, रा आ, फिर जा आ, यानी राजा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रा, फिर आ की मात्रा, फिर जा, और फिर जा के बाद क्या है बच्चों, आ की मात्रा, तो क्या बन गया, राजा। फिर इसको पढ़ेंगे, ता आ फिल्ला आ, तो क्या बन गया, ताला। सबसे पहले क्या है, ता, फिर आ की मात्रा, फिर ला, और फिर आ की मात्रा, तो क्या बन गया बच्चों, ये ताला। फिर ये क्या है बच्चों, चा, पढ़ो, चा आ, चा आ, तो क्या हो गया, चा चा। सबसे पहले चा, फिर क्या लिखा है, आ की मात्रा, फिर चा, और फिर आ की मात्रा, तो क्या हो गया, ये चा चा। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, चित्र देखकर सही शब्द पर बोला लगाएं। कौन से सही, उस पर सही शब्द पर, यानी इसमें गलत शब्द भी है, और हमें क्या देखना है, चित्र देखना है। तो सबसे पहले किस चीज की पिक्चर है बच्चों, ये किस चीज की पिक्चर है, गाजर। तो गाजर हम देखेंगे, गाजर कहाँ लिखी हुई, ये क्या लिखा हुआ बच्चों, मटर, मटर, कलम, कलम, और ये क्या है, गजर। तो ये क्या है बच्चों, गाजर। तो ये हमारी सही शब्द लिखा हुआ। अब ये किस चीज की पिक्चर है बच्चों, आम। तो हम आम ढूंढेंगे, आम जहाँ होगा उस पे हमें गोला करना है। तो ये क्या लिखा है बच्चों, का में आ की मात्रा, ला, ला में आ की मात्रा, तो क्या हो गया, काला। ये क्या है बच्चों, छा, छा में आ की मात्रा, ता में आ की मात्रा, तो क्या बन गया हमारा, छाता। और ये क्या है, बड़ा आ और मा, तो क्या हो गया, आम। तो ये है हमारा सही शब्द। और ये क्या है बच्चों, किस चीज की पिक्चर है, नयन। तो हम नयन को ढूंढेंगे, ये क्या है बच्चों, ड ग र, ये क्या हो गया, डगर। ये क्या है, म ट र, मटर। मटर की पिक्चर थोड़ी नहीं है, ये किस चीज की पिक्चर है, नयन की। तो ये क्या लिखा है, न य न, तो ये हमारी हो गया सही शब्द, नयन। और ये किस चीज की पिक्चर है बच्चों, कप। तो हम कप को ढूंढेंगे, ये क्या है, ज ग जल, टब, टब, और ये रहा कप, कप। तो ये हमारी हो गई सही शब्द। तो ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपने बच्चों को इस प्रकार के हिंदी की वर्कशीट बना के कराइए, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस बनी रहे और बच्चे का जब भी एग्जाम हुए तो अच्छा कर सके। गॉड ब्लेस यू।